अल्लाह स्टूडेंट्स हाँ जी तो आज हमें जो है लेसन वर्क करना है ठीक है जो ओके पुट योर थिंकिंग कैप ओके चलो नंबर वन आपका राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स जो गलत है उसके लिए आपको एफ़ डाल देना है और जो आपको सही लगता है उस पर टी डाल देना है ट्रू ठीक है जो नम ए पार्ट है आपका वी ब्रीथ इन आयर ओनली ड्यूरिंग द डे हम सिर्फ सांस जो है सिर्फ दिन के टाइम लेते हैं गलत है है ना फॉल्स ठीक है बी पार्ट आपका प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है फॉल्स क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है पानी की ज़रूरत होती है है ना आपका सी पार्ट अब फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड स्टेडी है ना वे ट्रू है ना हमें उनसे खाने खाने से पढ़ने में लिखने में एनर्जी मिलती है डी पार्ट आपका फूड हेल्प अस टू ग्रो स्मॉल नो तो ये आपका फॉल्स है है ना खाना खाने से हम छोटे थोड़ी होते हैं ना हम बिग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फॉल ई पार्ट आपका एनिमल्स जो नॉट ईट फूड एनिमल्स खाना नहीं खाते हैं नहीं एनिमल्स भी खाना खाते हैं तो ये भी आपका फॉल्स है ठीक आप आप है आपका है जो टू पार्ट हुए आई आपको बताना है कि ये कौन है ये अपने बारे में कुछ बताएगा देखो जैसे कि ए पार्ट आपका सॉरी हाँ जी तो अब यू कैन नॉट सी मी बट यू बट कैन फील मी आप मुझे नहीं देख सकते लेकिन मुझे फ़ील कर सकते हो मुझे महसूस करते हो कर सकते हो तो महसूस करते हो तो ये ये क्या चीज़ है आई एम ये है एर है ना ये हवा है हम उसको हवा को देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस करते हैं ठीक है अब बी पार्ट आपका है जो आई गिव यू एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले ये ये जो है हमें ताकत मिलती है इनसे पढ़ने में लिखने में खेलने में कूदने में तो ये क्या चीज़ है तो आई एम अ फूड ये खाना है है ना ओके सी पार्ट आपका यू नीड फोर टू फाइव ग्लासेस ऑफ मी एवरी डे रोज़ाना आपको चार से पाँच ग्लासेस मेरी ज़रूरत होती है तो ये क्या है आई एम वाटर ओके देन आपका है जो फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ये जो बॉक्स पे आपके वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको यहाँ पे फिल कर देना है यहाँ पे भर देना है ठीक है ए पार्ट आपका ऑल डेज थिंग्स नीड आयर वाटर एंड फूड टू लिव तो हम लिखेंगे ऑल लिविंग थिंग्स ठीक है जो लिविंग थिंग्स नीड आयर वाटर एंड फूड टू लिव बी पार्ट आपका प्लांट्स नीड आयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड है ना यहाँ पे क्या लिखोगे बी पार्ट पे फूड सी पार्ट आपका वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट डैश ऑल द टाइम वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट आयर ऑल द टाइम हवा है ना तो आयर लिखोगे सी पार्ट पे आयर लिखोगे डी पार्ट आपका फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले तो आप लिखोगे फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले ठीक है डी पार्ट पे क्या लिखा आपने एनर्जी ई पार्ट आपका ड्रिंकिंग डिश वाटर कैन मेक अ सिक ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अ सिक गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं ठीक है, है। जो अब नंबर फोर आपको क्या करना है आंसर द क्वेश्चंस आपको आंसर इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं एक पार्ट आपका है जो वाई डू वी नीड आयर तो आप लिखोगे आंसर वी नीड आयर टू ब्रीद ठीक है क्लियर है ना वी नीड आयर टू ब्रीद आपका फिर आपका है जो बी पार्ट वाई डू वी नीड फूड है ना तो आप लिखोगे वी नीड फूड टू लिव ठीक है हमें खाना 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 जो है जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है ओके okay. सी पार्ट आपका नेम द नेम थ्री थिंग्स वी नीड टू लीव तो आप लिखोगे वी नीड आयर वाटर एंड फूड टू लीव क्लियर क्या लिखोगे वी नीड आयर वाटर एंड फूड टू लीव हाँ जी अब आपका डी पार्ट है नेम फोर थिंग्स यू वुड लाइक टू ईट ऑन योर बर्थडे आपको चार चीज़ें है लिखनी है, जो आप जो है अपने बर्थडे में खाना पसंद करोगे तो जैसे कि बच्चों को पसंद होता है केक जूस है ना स्नैक्स एंड चॉकलेट्स तो मैंने यहाँ पे वहीं लिख दिया आपको जो भी पसंद है जो आप बर्थडे में खाना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो ठीक है जो यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया हुआ है क्या करना है लो नोट डाउन फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डेट यू स दिस वीक आपको क्या करना है आप इस वीक इस हफ्ते आप कुछ जो एनिमल्स को देखते हो अलग अलग किस्म के पांच किस्म के एनिमल्स फाइंड आउट व्हाट दे ईज आपको ये देखना है कि वो खाते क्या हैं व्हाट डू यू थिंक दे गेट वाटर फ्रॉम आप क्या सोचते हो कि उनको पानी कहाँ से मिलता है उन एनिमल्स को फिल इन दिस टेबल फिर आपको ये टेबल भरनी है ठीक है जो जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे आप अगर हमने ये देखते हो तो आप काउ लिख सकते हो फुट ईज वो ग्लास खाती है, है ना वेर इट गेट वाटर फ्राम उसको वाटर कहाँ से मिलता है है ना तो उसको जो हाँ, वो तो एक डोम हाँ जी तो कब एक डोमेस्टिक एनिमल है तो हम भी उन्हें जो है पानी हम खुद भी दे, दे देते हैं या वो छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं है ना वहाँ से भी वो पी लेती हैं ठीक है थीके? इसी तरह आपको अपना प्रोजेक्ट ये वाला वर्क कर देना है कि आप और कौन से कौन से एनिमल्स देखिए मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया था ये ठीक है अच्छा जी यहाँ पर आपका है इट हेल्दी हेल्दी आपको हेल्दी खाना है एक्सरसाइज डेली रोजाना एक्सरसाइज करनी है एंड की फेट और आपको फिट रहना है मेक अ हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड एंड अवॉइडिंग अवॉइडिंग जंक फूड आपको जंक फूड अवॉइड करना है ना एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है फिट रहने के लिए ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू